हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आज मैं आया हूँ यहाँ पिंजौर, और पिंजौर हम घूमेंगे आज से। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा और क्या आज हम इंजॉय करेंगे खूब सारे यहाँ पे। ऐसा है यहाँ से व्यू कुछ अंदर का, और यहाँ पे ये है हमारा रंग महल। यहाँ अब हम जा रहे हैं रंग महल की तरफ। रंग महल से पूरा आपको पिंजौर गार्डन दिखेगा यहाँ। यहाँ से गार्डन का जो है एरिया स्टार्ट होता है, इस तरफ से पूरा आपको गार्डन ही मिलेगा। जो पीछे से आप अगर पूरा गार्डन घूमना चाहते हैं, तो यहाँ से पूरा रास्ता आता है, और पूरे किले को घूम के आप दोबारा जो है रंग महल के पास पहुँच सकते हैं। हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से एक तो बात ऐसी है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, तो उसका नॉइज़ भी आ सकती है। और एक्चुअल में मैं कोई भी अपना गैजेट चलाना भूल गया था, जो भी माइक ट्राईपॉड ये सब नहीं लेके आया हूँ। सिर्फ मैं ओनली अपने मोबाइल फ़ोन का जो माइक है उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कोई भी नॉइज़ प्रॉब्लम आते हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आप सिर्फ गार्डन को इन्जॉय कीजिएगा। और गार्डन का एरिया बहुत ही अच्छा है, शांत एरिया है बिल्कुल ही, और कम लोग आ रहे हैं कोरोना करके यहाँ पे, तो तब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज़, छोटी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं आप। जैसे देखिए ये है यहाँ पे, और काफ़ी ऐसे चीज़ें यहाँ पे जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इस साइड भी एक और बीच तालाब में एक पता नहीं महारानी का कोई महल टाइप, तो वो भी अब आप देखेंगे इसके बाद। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक तो यहाँ ये हिमाचल और हरियाणा पंजाब का बॉर्डर में पड़ता है पिंजौर गार्डन, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पानी का भी कोई साधन, रेस्टोरेंट हो दूसरी तरफ है जाके, और उस तरफ जाना तो अब कौन जाए। तो यहाँ पे बांस भी हैं काफ़ी अच्छे, और यहाँ पे फ़ोटो बहुत ही सही आ रही थी। यहाँ पे कितने मजबूत बांस हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जंगल में फंस गया हूँ। और कितना अच्छा व्यू है, और अंदर से देखिए आप यहाँ से बांस कितने सुंदर लग रहे हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, और ऊपर से इतने ठंड ठंडे बांसों में बैठना गया गया। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है काफ़ी कॉस्टली है, 80 रुपये की थाली है, और चने भटूरे वो 50 रुपए के है, दो भटूरे मिलेंगे। और मैंने मैंने ऑर्डर किया चने भटूरे में आ जाएगा। खाना खाने के बाद हम निकल जाएंगे गार्डन से, और उसके बाद मैं चले जाऊँगा ऑर्डर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा देखने में, तो फिर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है चने। खाने में टेस्टी लग रहा है, खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। खाना तो काफ़ी टेस्टी है यहाँ पे, और खाना तो काफ़ी टेस्टी है यहाँ पे। भटूरे तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, और भूख भी ज़्यादा लगी, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है खाना खाने में। टेस्ट तो बहुत ही अमी है। तो अब हम जा रहे हैं वापस गार्डन से, और गार्डन काफ़ी अच्छा था, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। काफ़ी अच्छा हमें लगा वहाँ पे टाइम स्पेंड करके। आप लोग क्योंकि स्वेटर क्यों डाली हुई इसने, तो मेरे को तो ठंड लग रही थी यहाँ पे जब मैं सोलन के पास पहुँचा, तो इसलिए यहाँ पे ठंड हो गई है, तो ठंड हो चुकी थी तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।